तो हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह 6:30 और आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी उठ चुके हैं। 5:30 बजे आज घर उठ के आ गए हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी तक मम्मी लोग सोई हुई है, सोई नहीं है मतलब वहाँ मम्मी खाना वहाँ बैठा दी है, हाथ वहाँ हो रहा है और मम्मी लोग सोई है थोड़ा सा। और बाकी पहाड़ी पूजा का जो था, पहाड़ी पूजा में इस बार इतना भीड़ नहीं हुआ, सब बोल रहे हैं हमको तो ज़्यादातर भीड़ लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे इस बार भी। और लेकिन खाने पीने का ना किसी का ठीक से नहीं हो पाया होगा क्योंकि इतना भीड़ है कि स्टॉल सब में कि बोलो पार में तो सबसे ज़्यादा भीड़। और बाकी बहुत चीज़ सब वहाँ चाट उट था उस समय इतना भीड़, तो मतलब उस समय कोई ठीक से नहीं खा पाया होगा, ऐसा कुछ सीन है। तो मेरे मम्मी लोग भी खाई है लेकिन मेरे भाभी लोग और रोहन ईसा लोग लोग ठीक से नहीं खा पाए कुछ भी चीज़ क्योंकि इतना भीड़ है तो मिलते ही नहीं यार। घर भी जाना है क्योंकि इतना रात हो जाता है, जब तक आतिशबाजी होता है पूरा रात हो जाता है, तक घर जाएंगे कि पहले खाएंगे इतना भीड़ में, तो इसीलिए सब घर रहते हैं। तो इस बार भी वहाँ पर बहुत कुछ बहुत लोग बहुत कुछ बना था। तो कांतारा सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा वहाँ पर, और पुष्पा 2 का जो भी बना था और फिर बाद में और हमको याद नहीं आ रहा है। और बाकी श्री राम बना था बहुत कोई नहीं एक ही के। तो अभी तक गाइस हम नाश्ता नहीं किए हैं, अब तक मम्मी नाश्ता नहीं बनाई है और क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ, लेकिन हमेशा मम्मी अभी तक नाश्ता बना लेती है लेकिन आज नहीं बना है। भैया ड्यूटी चल गए हैं, पापा घर में हैं, आज 2 शिफ्ट जाएंगे। तो गाइस हम नाश्ता कर लिए हैं और अभी रोहन के घर में है और आज नाश्ता में खाए हैं रोटी और सब्जी, आलू का सब्जी और भरवट्टी। तो गाइस कल परसों में कल तो हम ब्लॉग नहीं बनाया, आज परसों है। तो पहाड़ी पूजा में हम क्या क्या खाए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे खाए गोलगप्पा, उसके बाद खाए थे बादाम, उसके बाद खाए सिंघाड़ा और वेजिटेबल। तो वेजिटेबल हम आए टाइम सपोटरा में खाए और बाकी सब वहीं पर गोलगप्पा खाए और बादाम खरीदे थे वहाँ से, और खा खा के रास्ता आ रहे थे ये भी अकेले। तो रोहन लोग आतिशबाजी देख रहा था, हमको देखने का मन नहीं किया तो फिर हम घर आ गए। तो फिर बाद में हम खा खा के पूरा आ रहे हैं और इतना ज़्यादा भीड़ था, जैसे बॉम्ब फटने स्टार्ट हुआ ऐसे सब लोग ना मैदान के अंदर दौड़ दौड़ के चल गए, तो ऐसे गोलगप्पा का स्टॉल खाली हो गया। तो ऐसा हम जाके गोलगप्पा खा लिए और ऐसे तो मेरा फेवरेट है, तो हम थोड़ी छोड़ रहे थे तो खाए और फिर घर आ गए डायरेक्ट। तो ऐसा कुछ सीन था। और अभी बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ कोई अपना दोस्त उसको ये खेलने वाला, और बाहर इतना ज़्यादा धूप दे रहा है कि बोलो मत देखो, अभी मेरा चेहरा पसीना आ रहा है। मतलब सोचो अभी तो सिर्फ 8 भी नहीं बजा, 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, तो इतना ज़्यादा गर्मी दे रहा है, बाप रे क्या होता होगा जो काम करते होंगे जो लोग इतना धूप धूप में, देखो कैसे धूप दे रहा है। तो गर्मी का छुट्टी भी गाइस बहुत सारे स्कूल में मिल चुका है, अभी तक आज से मिल गया है और बहुत से स्कूल में शायद सोमवार से मिलेगा। तो अभी भी बहुत बच्चे जा रहे हैं स्कूल और बहुत स्कूल में हम सुने हैं कि बोलो गर्मी छुट्टी मिल गया, मिलना भी चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है, अभी तो हालत ख़राब हो जाएगा आते आते। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो ऐसे ही था हाल, पूरा धूप में आते थे लेकिन हम लोग पूरा मज़ा करते थे, पेप्सी उप्सी खरीद लेंगे और पूरा पी पी जाएंगे रास्ते में। और कॉलेज तो हम लोग जाते थे तो उस टाइम भी धूप में ही आते थे। तो गाइस अभी हम एक तो गाना लिख रहे हैं जो आप लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलेगा, जल्दी सुनने के लिए मिलेगा, तो चलो आप लोग दिखा देते हैं। तो ये देखो मेरे गाने का लिरिक्स है जिसको हम लिखे हैं, आधा कंप्लीट हो गया है और सिर्फ थोड़ा सा बाकी है, तो आप लोगों को जल्दी सुनने के लिए मिलेगा और इंतज़ार करो थोड़ा सा। और पहले वाला गाना भी मेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, पहले वाला गाना सब ठीक है रिस्पॉन्स है, 11 लाइक है और व्यू कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर भी व्यू मेरे को लग रहा है 200 के आसपास होगा। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ मेरे को भी और लगाने का इंतजार करो, जल्दी हम लिख के गा के इसका वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों को मेरा वीडियो में अभी बिट्टू दिखेगा सिर्फ, वही अभी वीडियो में सिर्फ डायलॉग मारेगा जो भी गाना में है ना। तो गाइस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं
क्योंकि हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे और आज जब क्रिकेट खेले तो पहले ही बॉल में आउट हो गए, उसके बाद खेलने का थोड़ा भी इच्छा नहीं किया। और आज का जो दिन था वो बहुत बोरिंग था और इतना ज़्यादा धूप लग रहा कि बाहर भी कहीं नहीं जा पाई हैं। आज तो घर में रहना पड़ा पूरा, अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसा डेली डेली रहने के ना, अच्छा भी नहीं लग रहा है। सोच रहे कुछ काम होने से कर ले पर वो भी नहीं हो रहा है। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस।